परम आदरणीय मान सम्मान के योग हमारे बीच आए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, साथ ही खेल मंत्री हमारे बीच श्री संदीप सिंह जी एवं सेंटर मंत्री रतनलाल जी कटारिया और हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता पधारे हैं। मैं हमारे सभी खेल प्रेमी खिलाड़ियों और हमारी संस्था की ओर से इन सब का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी 1995 से ये मांग जो चली आ रही थी उसको पूरा किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवादी भी हूं। खेल जगत में हरियाणा का वैसे तो बहुत पहले से बहुत नाम रहा है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर जो प्रगति आज मनोहर लाल जी के समय में मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश विदेश में जो झंडा और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और तिरंगा फहराया है, वो बहुत लंबा सफ़र है। आपको थोड़ा सा उसका सारांश देते हुए मैं बताना चाहूँगा, 1968 ओलंपिक जो आज से 52 साल पहले मेक्सिको में हुआ था, हरियाणा के सिर्फ 2 खिलाड़ी उसके अंदर भाग लेने गए थे। आज हमारे आधे जो ओलंपिक कंटिजेंट होता है उसके अंदर आधे खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। वो हमारी सरकार की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं इसके लिए भी हमारी सरकार का, खासकर मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। तो आज चाहे किसी भी स्पर्धा में, चाहे मेडल टैली में, चाहे ओलंपिक में पार्टिसिपेशन में, चाहे एशियन गेम में पार्टिसिपेशन में, या कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने में, हरियाणा का 1/3 खिलाड़ी मेडल लेकर आता है। तो वो हमारे खिलाड़ियों की तो मेहनत है ही, लेकिन साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय या हमारे जो है जो पदाधिकारी इस खेल के प्रति जो उनका रुझान है उसकी देन है। आज उसका उदाहरण आपके सामने हमारे खिलाड़ियों की जो ये खिलती हुई फुलवाड़ी, कॉमनवेल्थ में, एशियन में, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आपके सामने बैठे हैं। ये फुलवाड़ी बहुत कम जो है ना स्टेटों में मिलेगी आपको, ध्यानचंद अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, इन सभी मतलब राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित खिलाड़ी आपके सामने बैठे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार और सभी मंत्रीगण का आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल सही फरमाया भीम सिंह जी आपने, हम हरियाणवी पूरे देश का 1/3 हिस्से पर कब्जा करते हैं और मेडल हमारे देश की झोली में हम 33% मेडल हम हरियाणवी लाकर देते हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए, हमारे हर दिल अजीज मुख्यमंत्री साहब के लिए। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूं और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी दिलदारियों को खूब सुनते आए हैं, आपकी दिलदारियों को खूब सुनते आए हैं, आप जैसा हर फन कलंदर कौन है परदेश में। कोई होता और तो पैर जमी पर नहीं होते, कोई होता और तो पैर जमी पर नहीं होते, आपकी सादा दिली के किस्से हैं इस देश में, आपकी सादा दिली के किस्से हैं इस देश में। सादा जीवन, उच्च विचार और गीता का कर्म योग आपके निश्चल व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। हमारी भारतीय और हरियाणवी संस्कृति के अनुरूप माननीय सीएम साहब को शॉल भेंट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जगरूप सिंह जी, रिटायर्ड एसपी अर्जुन अवार्डी कुश्ती, श्री भीम सिंह जी, प्रधान एसोसिएशन एथलेटिक्स अर्जुन अवार्डी, श्री रामबीर खोखर जी, द्रोणाचार्य अवार्डी कबड्डी,
श्री सरदार सिंह जी अर्जुन अवार्डी हॉकी, ओम प्रकाश जी ध्यानचंद अवार्डी वॉलीबॉल। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे मुख्यमंत्री साहब का शॉल भेंट कर सम्मान करें, और एस्कॉर्ट करने के लिए मैं प्रधान भीम सिंह जी को अनुरोध करती हूँ कि वो मुख्यमंत्री महोदय को मंच पर एस्कॉर्ट करें। जोरदार तालियां बजने चाहिए आज इस दिन के लिए। आप सब लोग, हम सभी मुख्यमंत्री महोदय के आभारी हैं। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। और सर्दियों का मौसम भी है, तो शॉल भेंट कर आप हमारी संस्कृति को भी और हमारी सर्दी को भी, दोनों को एक नया आयाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के सभी आभारी हैं। अब इसी कड़ी में हमारी खेलों की संस्कृति की भी है, हम एक मुख्यमंत्री महोदय को गदा भेंट करना चाहते हैं, और उसमें मैं बुलाना चाहूंगी सुरेंद्र कौर हॉकी अर्जुन अवार्डी, गिरिराज पैरा ध्यानचंद अवार्डी, शक्ति सिंह अर्जुन अवार्डी एथलेटिक्स, नेत्रपाल ध्यानचंद अवार्डी कुश्ती, और ममता सोदा तेंजिंग नोर्गे और पद्मश्री अवार्डी माउंटेनियरिंग। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय को हमारे खेलों की एक गदा, जो खेलों के लिए जानी जाती है और खेलों का प्रतीक चिन्ह है, तो गदा भेंट कर मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। और जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का। और इसी कड़ी में हम मुख्यमंत्री महोदय को कुछ शब्दों के साथ, जैसे कहते हैं ना, खिलाड़ी का जब तक सर्टिफिकेट नहीं होता तो तब तक उसके पास ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो ऑथेंटिसिटी के लिए एक प्रशस्ति पत्र होता है, तो इसी कड़ी में मैं प्रशस्ति पत्र पढ़ने के लिए बुलाना चाहूँगी और देने के लिए योगेश्वर दत्त, जो हमारे एक जाने पहचाने चेहरा है, ओलंपियन मेडलिस्ट, कमला दलाल भीम अवार्डी, आमिर वॉलीबॉल अर्जुन अवार्डी, कर्नल भनमाला जी नौकायन अर्जुन अवार्डी, और ब्रिगेडियर दीप अहलावत जी हॉर्स राइडिंग अर्जुन अवार्डी। सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, और योगेश्वर जी मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप प्रशस्ति पत्र सबको पढ़कर सुनाएं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप ईमानदार एवं दूरदर्शी नेता हैं। आप निस्वार्थ भाव से हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। आपने हरियाणा के सम्मानित खिलाड़ियों की पेंशन में वृद्धि करके हरियाणा के खिलाड़ियों के मान सम्मान, मनोबल और गौरव को बढ़ाया है। हरियाणा का खेल जगत इस सम्मान के लिए सदैव आपके प्रति आभारी रहेगा। हमारी मंगल कामना है कि आपके कुशल नेतृत्व में यह प्रदेश प्रगति एवं खुशहाली के मार्ग पर बढ़ता रहे। हम आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रशस्ति पत्र भेंट कर योगेश्वर दत्त जी, ब्रिगेडियर अलावत जी, आमिर सिंह जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये तो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। प्रशस्ति पत्र के साथ हम सब खड़े होकर तालियां बजाएं, और हॉल में तालियों की गुंजाहट इतनी हो कि हमारी विधानसभा तक पहुंचे। जोरदार तालियां।
धन्यवाद, आप सभी बैठ जाएं। अब मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूं। बुलंदियों तक पहुंचना तो कोई बात नहीं, बुलंदियों तक पहुंचना तो कोई बात नहीं, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है, और यह कमाल बखूबी कर दिखाया है हमारे अर्जुन अवार्डी पद्मश्री से सम्मानित सूरमा माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने। जोरदार तालियों के साथ इनका हम अवार्डी संघ की ओर से स्वागत करते हैं, और हम सभी अवार्डीज आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि एक खिलाड़ी के रूप में आपने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो एक राजनेता के रूप में भी आप बुलंदियां छुएं। ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है, सबसे रहे मित्रता हर वर्ग से रिश्ता नाता हो, सबसे रहे मित्रता हर वर्ग से रिश्ता नाता हो, वरदान माता देना ऐसा अंतस में सदा विधाता हो, अंतस में सदा विधाता हो, करुणा की सरिता बह जाए, करुणा की सरिता बह जाए, पर हित का हृदय में चाव हो, कण 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 ज्योतिर्मय हो जाए, और नस नस में भारत माता हो, और नस नस में भारत माता हो। जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करती हूँ भीम सिंह जी से एस्कोर्ट करके हमारे माननीय खेल मंत्री को सम्मान मंच पर लेकर आए, और इसी में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ शॉल भेंट करने के लिए असन कुमार कबड्डी अर्जुन अवार्डी, सत्यवान अर्जुन अवार्डी, शूटर संजीव राजपूत अर्जुन अवार्डी, बॉक्सिंग अनूप कुमार द्रोणाचार्य अवार्डी, और प्रीतम शिवाज हॉकी अर्जुन अवार्डी। जोरदार ताली बजते रहने चाहिए हमारे खेल मंत्री महोदय के सक्रिय सहयोग से, सक्रिय योगदान से आज ये मुकाम आप सबको एक सम्मान और गरिमामय स्थिति प्रदान की है। एक खिलाड़ी, मैं मुख्यमंत्री महोदय का हम सब अवार्डीज की तरफ से भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि खिलाड़ी को उन्होंने खेल मंत्री चुना, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। इसी कड़ी में हम एक खेल प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, एक हॉकी स्टिक, क्योंकि हॉकी के खिलाड़ी को जो हॉकी स्टिक से प्यार होता है वो शायद ही किसी से होता है, और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करती हूँ के हुड्डा द्रोणाचार्य अवार्डी, जगराज सिंह एथलेटिक्स ध्यानचंद अवार्डी, अजमेर सिंह बास्केटबॉल अर्जुन अवार्डी, पुनीत राणा भीम अवार्डी स्विमिंग, और अखिल कुमार अर्जुन अवार्डी बॉक्सिंग। जोरदार तालियों से हमारे प्रिय चहेते खेल मंत्री महोदय का स्वागत हॉकी स्टिक के साथ। तालियों की गड़गड़ाहट रुकने नहीं चाहिए, जितना मान सम्मान आपका बढ़ा है उतने ही जोश और एक्साइटमेंट के साथ तालियां बजनी चाहिए। और इसी कड़ी में प्रशस्ति पत्र ऑथेंटिसिटी के लिए हमारे एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार सांगवान जी अर्जुन अवार्डी, और सबके चहेते सबसे एक्टिवली काम करते हुए वर्ल्ड के फोर्थ नंबर प्रोफेशनल बॉक्सर राजकुमार जी, पूनम चोपड़ा जूडो अर्जुन अवार्डी, रमेश कुमार कबड्डी अर्जुन अवार्डी, ओपी दहिया कुश्ती द्रोणाचार्य अवार्डी। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आए और प्रशस्ति पत्र हमारे यशस्वी खेल मंत्री को भेंट करें, और राजकुमार जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वो प्रशस्ति पत्र पढ़कर सुनाएं। राजकुमार जी, माननीय खेल मंत्री हरियाणा सरकार श्री संदीप सिंह जी, आप अत्यंत संवेदनशील कर्मठ राजनेता हैं, एक खिलाड़ी के रूप में आपने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कम समय में ही आपकी निष्ठा
सजगता एवं दूरदृष्टता से हरियाणा ने खेलों में अकल्पनीय प्रगति की है। सर्वहित की भावना से परिपूर्ण आपकी कार्य प्रणाली अत्यंत सराहनीय है। हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित खिलाड़ियों की पेंशन वृद्धि में आपका सक्रिय योगदान रहा है। आपके नेतृत्व में खेल विभाग ने हरियाणा के खिलाड़ियों के मान सम्मान, मनोबल और गौरव को बढ़ाया है। हरियाणा का खेल जगत इस सम्मान के लिए सदैव आपके प्रति आभारी रहेगा। हमारी मंगल कामना है कि आपके कुशल नेतृत्व में यह प्रदेश प्रगति व खुशहाली के मार्ग पर बढ़ता रहे। एक राजनेता के रूप में भी आप उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करें। हम आपके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। संदीप सिंह जी, जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं मंजिल पर जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से डरने वालों को मंजिल कभी मिला नहीं करती। और मंजिल पाकर बहुत सारे लोगों का भला करने वाले सहारा है बेसहारों के लिए, किनारा है बेकिनारों के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं। जो जीते हैं हजारों के लिए, ऐसे ही एक हमारे राजनीति का दीप्यमान सितारा हमारे बीच में मौजूद है, केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे रतनलाल कटारिया जी। उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वो अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें और जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करें। रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा की आन बान शान, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे खेल मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी, हरियाणा विधानसभा के आदरणीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, अन्य अधिकारीगण वे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर से बहुत खुशी का दिन है के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मानदेय में बढ़ोतरी करके न केवल उनका सम्मान बढ़ाया है, बल्कि आज इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे देश के अंदर जो 70 लाख से भी ज्यादा युवा काम कर रहे हैं, खेल मंत्रालय के माध्यम से उन सब को भी गौरवान्वित किया है। जब जब भी हरियाणा कोई उपलब्धि प्राप्त करता है, हर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब उसकी गूंज उठती है तो हमारा सीना अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर फूल कर बहुत बढ़ जाता है कि कुशल नेतृत्व के अंतर्गत एक इस प्रकार की पॉलिसी हरियाणा प्रदेश ने अपनाई है जिससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है और वो और आगे ही आगे अपने कार्य में प्रेरित हो रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि पत्थर को सलीके से संवार आ जाए। ये सामान्य घरों के बच्चे
खेल को अपने जीवन में जब अपनाते हैं, इतने प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनको उस समय किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, कभी कोच के रूप में, कभी नेतृत्व के रूप में, कभी फाइनेंशियल मैटर्स सॉल्व होने के रूप में। तो जब एक योगा लीडरशिप किसी प्रदेश के अंदर काम कर रही होती है, तो वो लीडरशिप अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों को सारी दुनिया में छाने के लिए प्रेरित करती रहती है। ऐसा ही काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही अपने छोटे भाई संदीप सिंह को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट के हॉकी के आप जो है वो अध्यक्ष रहे हैं, और आपके नेतृत्व में भी देश ने नई बुलंदियों को छुआ है। मैं इस अवसर पर आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी कड़ी में सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगी सुनीता दलाल भीम अवार्डी, रोहित भाकर पैरा अर्जुन अवार्डी, सुनीता शर्मा जिम्नास्टिक अर्जुन अवार्डी, दिनेश कुमार बॉक्सिंग अर्जुन अवार्डी। ये सभी मंच पर आए और हमारे चहेते और प्रिय केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी को एक सम्मान चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनीता कुंडू माउंटेनियरिंग तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित, वो मंच पर आए और एक स्मृति चिन्ह मैडम आसिमा बराड़ को भेंट करें। मैडम आसिमा बराड़ को एस्कोर्ट करके लेकर आएंगे मैडम सुनीता दलाल। जोरदार तालियों के साथ, इनकी मेहनत और इनके एफर्ट्स के बगैर हमारा खेल जिंदा नहीं रह सकता। जो धरातल पर कार्य करती हैं मैडम आसिमा बराड़, कल भी हमारी सारा सहयोग और सारी जितनी भी हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान है वो कागजों में इनके बदौलत ही आगे बढ़ता है। मैडम आसिमा बराड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी सरदारा सिंह को, वो कृपा आए और हमारे प्रधान सचिव योगेंद्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और राजकुमार जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो उनको एस्कोर्ट करके स्टेज पर लेकर आए। और इसी कड़ी में मैं अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, साथियों पक्ष और विपक्ष दोनों इनकी सुनते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों इनकी सुनते हैं। विधानमंडल के मास्टर हैं ये, सबको नियम और कायदे सिखाते हैं, समझाते हैं। अपने बेलाग हेडमास्टर विधानसभा स्पीकर। हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी,
आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और यहां से सांसद आदरणीय श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे युवा खेल मंत्री जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मैं समझता हूं कि जब से वो खेल मंत्री बने हैं उन्होंने खिलाड़ियों के अंदर एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति, एक नई आशा उनके अंदर पैदा की है। ऐसे मेरे छोटे भाई संदीप सिंह जी मंच पर विराजमान, अन्य सभी अधिकारीगण आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, विभिन्न पदों से, विभिन्न अवार्डों से सुसज्जित सभी खिलाड़ी साथियों, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई संदीप सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जिसकी मैं समझता हूं कि हर खिलाड़ी को आवश्यकता होती है। जब खिलाड़ी देश के लिए पूरा जीवन खेल को समर्पित करता है और देश के लिए कोई मेडल लेकर के आता है, और वो जब कोई भी अवार्ड जीतता है, कोई भी मेडल जीतता है जिससे देश का सीना गर्व से फूला नहीं समाता, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये आज एक अवसर उन्होंने प्रदान किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। खेलों के विषय में मैं समझता हूं कि जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने कार्यभार संभाला है, खेलों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने अपनी उदारता दिखाई, खेलों के लिए जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं, खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं, उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। जो भी कोई ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर के आता है, चाहे वो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, आज उनके सम्मान में, जो सम्मान निधि कहूंगा मैं उनको, बढ़ाया है। जिस प्रकार से 6 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपया और 2.5 करोड़ रुपया, इस प्रकार से एक खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन करने में उन्होंने शुरू से ही इसकी ओर ध्यान दिया है, और आदरणीय भाई संदीप सिंह जी के आने के पश्चात मैं तो भाई संदीप जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पहली बार जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम, खेलो इंडिया जो होने जा रहा है 2021 के अंदर, वो पंचकूला में लेकर के उन्होंने पंचकूला का मान और सम्मान जो बढ़ाया है, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि पंचकूला एक स्पोर्ट्स हब के नाते विकसित हो, इस प्रकार का उनका शुरू से ही प्रयास रहा है, और खेलो इंडिया आने के पश्चात निश्चित तौर पे पंचकूला के ही अंदर नहीं, नजदीक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, नजदीक के जिलों के अंदर भी मैं समझता हूं कि खेल खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, खिलाड़ियों के लिए जो भी जरूरियात होंगी वो सब पूरी होंगी। क्योंकि एक खिलाड़ी ही, खिलाड़ी की जरूरियात क्या है, खिलाड़ी की पसंद क्या है, खिलाड़ी को खेलने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या उसकी आवश्यकता है, वो एक खिलाड़ी अच्छी तरह से जान सकता है। और एक खिलाड़ी होने के नाते जिस प्रकार से आज, चाहे वो फील्ड के अंदर, मैं कई बार देखता हूं कि 5:30 बजे हमारे ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर भाई संदीप जी पहुंच जाते हैं, वहां पर व्यायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और अपनी ड्यूटी भी जो वहां पर कोचिज वगैरह हैं या दूसरे
वहां के एम्प्लॉइज हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये भी मैं समझता हूं वो देखते हैं, जिससे एक अनुशासन जो खिलाड़ी के लिए अति आवश्यक है, चाहे वो कहीं खेल गेम के अंदर है या खेल खिला रहा है, वो अनुशासन अति आवश्यक है। और अनुशासन के लिए भाई संदीप जी को जाना जाता है, और खिलाड़ियों के लिए जो प्रोत्साहन के लिए वो कार्य कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, और उनका धन्यवाद एक बार फिर से करता हूं कि खेलो इंडिया पंचकुला में हो रहा है, जिससे पंचकुला का मान और स्वाभिमान बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हरियाणा में खेलो इंडिया होने जा रहा है, और प्रथम खेलो इंडिया में हरियाणा प्रथम रहा और आगे भी हम भी हरियाणा को प्रथम स्थान पर ही देखना चाहेंगे और वो जरूर ये प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगी, मंच पर आए रामपाल हुड्डा भीम अवार्डी, रमेश गुलिया अर्जुन अवार्डी कुश्ती, भूपेंद्र सिंह एथलेटिक्स ध्यानचंद अवार्डी, वो आए और हमारे स्पीकर महोदय को सम्मानित करें। हरियाणा में वैसे ही खेलों की धरती कहा जाता है, दूध दही का खाना और खेल खिलाना, ये हरियाणा का कल्चर है। और एस्कोर्ट करेंगे सर भीम सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे विधानसभा स्पीकर गुप्ता जी का। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी रामवीर सिंह अर्जुन अवार्डी कबड्डी, वो आए मंच पर और हमारे खिलाड़ी और पब्लिक रिलेशंस के ओएसडी गजेंद्र फोगाट जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनको एक प्रतीक चिन्ह सम्मान के रूप में भेंट करें। गजेंद्र फोगाट जी को ये मैं सीएम साहब को बताना चाहूंगी कि ये आपके पब्लिक रिलेशन में जरूर है, लेकिन पहले ये हमारे खिलाड़ी हैं। ये वो कहते हैं ना कि पोत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये मेरा जूनियर होता था वैसे तो, और जब पढ़ते थे एमपीएड में तो हम तभी कहते थे भाई तू खेल छोड़ के कुछ और ही हमारा नाचने बजाने का काम शुरू कर दे, जहां तेरी महारत हासिल है। और आज ये वो काम हासिल कर चुका है। जोरदार तालियों के साथ भाई गजेंद्र फोगाट का हम स्वागत करते हैं, और इसके लिए भी हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि अपने ओएसडी टीम में हमारे एक खिलाड़ी को आपने और शामिल किया। थैंक यू सर। इसी विचार प्रवाह की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय खेल मंत्री जी को, हम सब उनके ऊर्जा और उत्साह से भरपूर विचारों को सुनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें यशस्वी खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ईमानदार, सप्ताह में सातों दिन प्रदेश की उन्नति के लिए काम करते हैं वाले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल जी, हमारे रतनलाल कटारिया जी केंद्रीय मंत्री, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद जी गुप्ता, हमारे खेल विभाग के योगेंद्र चौधरी जी, हमारे स्पोर्ट्स से विभाग के जुड़े हुए सभी कर्मचारी, अर्जुन अवार्डीज, भीम अवार्डीज, द्रोणाचार्य अवार्डीज, ध्यानचंद अवार्डी, यूथ के तेंजिंग नॉर्वे अवार्डीज, और मीडिया बंधुओं सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज इस मंच पर मैं खेल मंत्री के रूप पर नहीं आया हूं, आज इस मंच पर मैं
एक खिलाड़ी के रूप में आया हूं। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह पद दिया है उसी दिन से मेरा एक विजन था कि इस खेल को गांव गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दिशाएं दी हमें। आज जिस के कारण हम यहां पर बैठे हैं उसका मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सुबह बहुत जल्दी फोन किया, तकरीबन 7:15 का समय था, और कहा कि स्पोर्ट्स के ऊपर चर्चा कर रही हैं हमें, तो जितना जल्दी हो सके आप मिलें। इमीडिएटली उसके बाद मैं सीएम साहब से मिला और उन्होंने कहा कि हमें अवॉर्डीज को सम्मानित करना है। तो ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सोचते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो हरियाणा सरकार में डीएसपी के पद पर था उसको वहां से उठाकर राजनीति में लेकर आए और एक खेल मंत्री बनाया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। जब मैं बना ही था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि 1966 से लेकर 1 नवंबर 1966 से लेकर टिल येट हरियाणा ने कोई भी ऐसा इवेंट होस्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास कई ओलंपिक मेडल हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये नहीं कि सिर्फ ओलंपिक की गेम्स, पैरालंपिक्स में भी हमारे पास कई युवाओं के मेडल हैं, लेकिन हमने कभी भी आज तक हरियाणा में कोई ऐसा मेगा इवेंट होस्ट नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय दिल्ली फोन किया और वहां पर कहा कि हमें खेलो इंडिया चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना खेलों के लिए प्यार करते हैं। मुझे अभी भी वो वाक्य याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र जिले में आए और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि मुझे हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाना है। आप देख लीजिए स्पोर्ट्स हब जिसमें इस 2019 से अब तक जब से ये खेल मंत्रालय मैंने संभाला है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। सबसे पहली सौगात जो थी वो छोटे बच्चे जो स्कूल लेवल पर खेलते हैं उनकी डाइट का जो था उसको डबल किया, 125 से सीधा 250 रुपए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई कि ओलंपिक में खेलने जब जाता है खिलाड़ी तो हमेशा खेलने के बाद उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, मैं भी 2 ओलंपिक्स खेला हूं, मुझे पता है कि आप पॉलिसी के अंदर आपको पैसे मिल रहे हैं, ऑन टाइम भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी चाहे वो केंद्र से उनको सपोर्ट मिलती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके निजी चाहे वो सप्लीमेंट्स हो चाहे वो उनकी किट हो चाहे उनका इक्विपमेंट हो उसके लिए जरूरत पड़ती रहती है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5 लाख खेलने से पहले देंगे। ये पहला राज्य बना हमारा। हमारे हरियाणा में आप सबको पता है खेलो इंडिया माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण यहां पर आया और उन्होंने लगातार खेलो इंडिया की मीटिंग्स भी हमारी चलती रहती है, जिससे अभी हरियाणा में एक भी वेलोड्रम नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी की सौगात के कारण अभी इंटरनेशनल लेवल का वेलोड्रम भी होगा हमारे यहां हरियाणा में। हरियाणा में बहुत से पॉलिटिकल विधायक, मंत्री, पुराने मंत्री सभी पार्टीज के एक ही सवाल करते हैं कि हमारा स्टेडियम कब बनाओगे, हमें स्टेडियम कब दोगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि स्टेडियम वो होगा जिस गेम की वहां उन्नति होगी, जहां पर उनके खिलाड़ी होंगे वो खेल का मैदान देंगे, उसको
हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि खिलाड़ियों का फायदा होगा। हमें वोटें इकट्ठी नहीं करनी, हमें खिलाड़ियों को आगे लेके जाना है। आप सोच सकते हैं कि क्या इनके मन में चलता है खिलाड़ियों के लिए। स्टेडियम जो है वो हो सकता है आपके गांव में एक स्टेडियम बन जाए और उसके बाद उसके रख रखाव के लिए कोई प्रावधान ना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर सुविधा के लिए खिलाड़ियों की दिन रात सोचते रहते हैं। मेरी चर्चा हमेशा इसी बात पर रहती है। हमारे हरियाणा में पॉलिसी जो है वो नंबर वन कहलाई जाती है पूरे देश में, हरियाणा की पॉलिसी। उसके ऊपर भी अगले 20 साल तक उसको कोई टच ना कर सके, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बैठकर वो तैयार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी ऐसी गेम, ऐसा खिलाड़ी नहीं बचेगा जिसको उसके बेनिफिट्स ना मिले। जो ये मेडलिस्ट हैं या अवार्डीज हैं, इनके लिए तो है ही है, और जो ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो यहां तक पहुंचने का ड्रीम लेते हैं, उनके लिए भी गांव गांव तक माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच पर बिहाफ ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड अवार्डीज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी और ये सौगात ऐसी है जो आप सब समझते हैं, क्योंकि मेरी आप लोगों के साथ लगातार चर्चा रहती है कि ये सौगात कोई और नहीं दे सकता था। और ये सौगात और आने वाली कई ऐसी सौगात हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पॉकेट में हैं और एक एक करके हम उसको निकालेंगे। मैं एक बार फिर यहां मंच पर बैठे सभी और खिलाड़ी और अवार्डीज का धन्यवाद करता हूं, और आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहें और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही सौगात देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। करतल ध्वनि बजने का समय है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं हमारे खेल मंत्री जी का, जिन्होंने सारी पॉलिसीज और भविष्य की पॉकेट भी हमारे सामने प्रस्तुत की। और बेटियों का जब तक मैं चर्चा ना करूं, वो कहते हैं ना हरियाणवी कल्चर, क्या भारतीय संस्कृति में बेटी देवी का रूप होती है, और आज हमारी भारत सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी बेटियों को बहुत ऊंचाइयां छूने के लिए रास्ते दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा की धरती से शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने बखूबा हरियाणा की धरती से जो बेटियों का हम पिछले दिनों सुनते आए थे, वो सब आज रेशो है, जेंडर रेशो है, वो हम पूरे देश से ऊपर आ चुके हैं। तो उनको ये समर्पित 4 लाइनें बेटियों के लिए। आपके प्रयास से आज हमारी हरियाणा की बेटियां मंगलसूत्र बाद में पहनना पसंद करती हैं, पहले वे अपने गले में गोल्ड मेडल डालना पसंद करती हैं। ये आपके विश्वास का और आपके मान सम्मान का ही प्रतीक है। आज हमारी बेटियां सर आपको समर्पित बेटियों के लिए, आज हमारी बेटियां विश्व में छाने लगी हैं, मंजिल उनके हाथ आने लगी है और दूर हो गए हैं बेटियों के जिंदगी के अंधेरे, और आज हर माँ बाप अपनी बेटियों को इतराने लगे हैं, आज हर माँ बाप अपनी बेटियों को इतराने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जो सिर्फ अगले इलेक्शन की नहीं अपितु अगले जनरेशन के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनके विचार न सिर्फ ज्ञानवर्धक बल्कि प्रेरणादायक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने ज्ञानवर्धक विचार हम सबको आशीर्वचन के रूप में प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियां मुख्यमंत्री महोदय के लिए। हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, और हमारे सबके चहेते हरियाणा सरकार में हमारे खेल मंत्री अर्जुन अवार्डी पद्म श्री संदीप सिंह जी, यहां उपस्थित हमारे सभी हरियाणा के खेल जगत के सम्मानित अवार्डी, जिसमें खास करके सभी
पुराने पुराने जो सबसे पहले अवार्डी यहाँ जिन्होंने शुरू में संबोधित किया ऐसे अर्जुन अवार्डी श्री भीम सिंह जी 1967 में जिनको अवार्ड मिला। इसी प्रकार उनके बाद के जो यहां उपस्थित हैं 1973 के श्री जगरामदास जगराम सिंह जी जगरूप सिंह जी सभी हमारे शान खेल की शान जिनको मैं कह सकता हूं कि सम्मान बढ़ाने वाले अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी द्रोणाचार्य अवार्डी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ऐसे हमारे सारे विजेता सबको आज यहां देख करके एक साथ मन गदगद हो रहा है। मैं सोच रहा था कि यहां पर सबसे पहले मेरा सम्मान फिर बाकी हमारे मंत्रियों का सम्मान ये सब शुरू हो गया। ये क्या है सम्मान तो अभिनंदन तो मैं आपका करने आ जाया हूं। क्योंकि आप ही प्रेरणा के स्रोत हैं हमारी युवा पीढ़ी के और आज का दिन युवाओं का दिन है। हमको मालूम है आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और सारे देश भर में आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाम से मनाया जा रहा है। और वास्तव में आप लोगों को भी आज सम्मानित करने का जो दिन चुना वो इसीलिए चुना था कि हर वर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन कुछ ना कुछ युवाओं का कार्यक्रम करते हैं। अब चूंकि कोरोना का समय चल रहा है बड़ी संख्या में युवाओं को तो एक साथ इकट्ठा करना शायद संभव नहीं था तो उसी समय ध्यान में आया कि युवाओं को प्रेरणा देने वाले वो हमारे जो खेल जगत के ऐसे लोग अवार्डी लोग हैं जो खेल युवाओं को प्रेरणा देते हैं इनका सम्मान किया जाए सारे युवाओं को एक संदेश जाएगा। आखिर तो हम सब सरकार में आते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि सरकार बनी है ये कुछ विकास करेगी नवनिर्माण करेगी ये सब अपेक्षा रहती है। अब उसमें सोच सबकी अलग अलग होती है। कोई गांव गली का आदमी गांव कहता है कि मेरी गली का निर्माण ये हो जाए या नाली बन जाए जिस गांव में बिजली नहीं है कहते हैं बिजली आ जाए जिस गांव में स्कूल नहीं है वो कहते हैं स्कूल बन जाए। बड़े लेवल पर कुछ सोचते हैं तो यहां हाईवे बन जाए यहां कोई स्टेडियम बन जाए यहां सब बन जाए। अभी स्टेडियम की बात हमारे संदीप सिंह जी ने भी रखी। ये अपेक्षा होती है कि विकास हो निर्माण हो नई चीजें बने। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है मैं इसको एकांगी एक पक्षी निर्माण विकास मानता हूं जिसका विचार मैंने पहले किया। एक दूसरा विकास है कि वो नागरिकों का विकास जनता का विकास मनुष्यों का विकास। ये विकास अगर नहीं होगा तो बाकी तो ईंट पत्थर के विकास है। ईंट पत्थर के विकास से काम नहीं चलने वाला जब तक मनुष्य निर्माण की ओर हम ध्यान नहीं करेंगे। और जब मनुष्य निर्माण की ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो आयु वर्ग होता है वो बचपन होता है। तो बचपन में अगर उसको संभाल लिया हमने बालक को उसको ठीक से शिक्षित कर दिया ठीक से संस्कारित कर दिया तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा हम एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएंगे। नींव अच्छी हो जाए तो बिल्डिंग अच्छी अपने आप बनती है। और जब बचपना हमारा शिक्षित हो जाए संस्कारित हो जाए तो जो युवावस्था है इस युवावस्था की अपनी एक ऊर्जा होती है एनर्जी होती है। ये युवा जो होता है ना युवा मैं इसको कहता हूं युग वाहक। ये युग का वाहक है युग को अपने कंधों पर रख करके किधर का किधर ले जा सकता है। ठीक दिशा में अगर चल पड़े तो समाज का निर्माण देश का निर्माण सब कर डालेगा। और अगर इसकी ऊर्जा किसी गलत दिशा में चली जाए तो यह युवा विध्वंस कर सकता है। युवाओं को इसकी एनर्जी को इसको लगाना है ठीक दिशा में लगाना है। और ठीक दिशा में लगाने के लिए कई प्रकार हैं उसकी अपनी आवश्यकता है शिक्षा की कौशल की रोजगार की रोजगार करना चाहिए। लेकिन सब लोगों को रोजगार में तो मन नहीं लगता कुछ लोगों की अपनी ताकत शारीरिक बल वो जिस प्रकार का हो तो उस शरीर के बल को दिखाने के लिए उनको प्रतिभा चाहिए उनको सम्मान चाहिए उसमें खेल सबसे बढ़िया है।
और खेलों का अगर उसके अंदर रुचि पैदा करके उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो युवक की एनर्जी एक पॉजिटिव एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाती है। हमने देश और दुनिया में सब जगह देखा है कि युवक को ठीक से एनर्जाइज करना, या तो उसको शिक्षा जगत में ही आगे निकाल दो, उसकी स्किलिंग के माध्यम से उसको आगे निकाल दो, पहुंच जाए वो कहीं भी पहुंच जाए, या फिर उसकी शरीर की ताकत को उपयोग करके और खेल में आगे निकाल दिया जाए। बाकी अपने अपने काम में अपने अपने रोजगार में तो सब लगेंगे, लेकिन एक्सट्रीम में जाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। उसी में से खेल को बढ़ावा देने की मन में बात आती है और हरियाणा संयोग से हमारा युवक खेल में रुचि रखने वाला युवक आज से नहीं है, आदिकाल से। तो इसलिए यहां के जो युवक का या तो खेलों में मन लगता है या फौज में लगता है, क्यों, मन में एक अपनी एनर्जी को निकालने का कहीं साधन चाहिए। दुश्मन से लड़ाई लड़ना उसमें भी आनंद आता है, उस आनंद के लिए यहां फौज की संख्या, हमारे जो रक्षा के क्षेत्र हैं उन सब में हमारा प्रतिशत आबादी हमारी सिर्फ 2% है देश की, लेकिन हमारा वहां प्रतिशत 11% है इस समय 11%। फौज में भर्ती कर दो, पुलिस में भर्ती कर दो, वही खेलों में आगे बढ़ा दो। तो खेल में बढ़ाने के लिए हमने बचपन से ही कैच दम यंग की जो पॉलिसी होती है उस नाते से नर्सरीज का प्रावधान किया। लगभग 500 स्कूलों में नर्सरियां चल रही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा भी समझ में आ जाए खेल की तरफ आगे बढ़ सकता है तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में आगे लगा दो इसको। आगे बढ़ने के बाद उसके लिए तरह तरह के खेल प्रतियोगिताएं स्कूल लेवल की, गांव लेवल की, जिला लेवल की, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उसमें आकर्षित करने के लिए। ये ठीक है कि खेल खेलने वाला शुरू में इसलिए नहीं खेलता कि मुझे कोई बहुत इनाम चाहिए, लेकिन एक नए लोगों को आकर्षित करने के लिए वो भी जरूरी है। तो हमने जो अवार्ड घोषित किए, आज देश और दुनिया में टॉप अवार्ड है हमारा ओलंपिक का, टॉप यानी ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट 6 करोड़ रुपया पाता है, दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सिल्वर मेडल भी उसको मिलता तो उसको भी 4 करोड़ रुपया मिल जाता है, कांस्य मेडल का भी 2.5 करोड़ रुपया मिल जाता है, चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे कॉमनवेल्थ के हों, चाहे एशियन गेम हों, हर तरह के गेम्स में हमने मेडल्स और मेडल्स भी और साथ साथ अवार्ड मनी ये अच्छी भी रखी है ताकि एक आकर्षण बने। उसी के साथ जब ये ध्यान में आया कि जैसा बताया भी हमारी डिमांड 1994 से चल रही थी कि अर्जुन अवार्ड को सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, कब शुरू हुआ था ये 5,000? 2008 में, उससे पहले और कम रहा होगा, ये शुरू ही उस समय हुआ था, शुरू ही तब हुआ 2008 में। तो 8 के बाद अब तो भाई 20 हो गया, 12 21 हो गया, 13 साल हो गए। मैंने कहा भी एक ने सुझाव दिया 5 के 10 कर दो, मैंने कहा नहीं रेशो में ठीक नहीं है, रेशो में तो 20 ही बनता ही है। तेरह साल हो गए, कोई भी हिसाब लगा लो, हर 6 साल में डबल हो जाती चीज, 6 साल बाद 5 के 10 और अगले 6 साल में 10 के 20। क्यों, अब ये ठीक है बीच में ये 5 का 10 हो जाना चाहिए था, नहीं किया किसी ने, भूल गए चूक गए, कोई बात नहीं। तो इसलिए मित्रों ये सब चीजें हमने इसलिए की कि हमारा युवा उसकी एनर्जी ठीक दिशा में लग जाए और हमारे समाज का अच्छा निर्माण हो, क्योंकि युवावस्था जो होती है ना उस समय ज्ञानवर्धक युवा किसी भी दिशा में लग सकता है। अगर हमारा इतिहास हम देखते हैं ना, हम गौतम बुद्ध का इतिहास देखें, उसको जीवन दर्शन जब हुआ कितनी आयु थी, यही 12 नहीं 23-25 साल ही रही है उसको, जब केवल अर्थ ही देख के ही जीवन दर्शन हो गया और गौतम बुद्ध भगवान का रूप आ गए। महात्मा गांधी जब वो गए ना दक्षिण अफ्रीका तो उनको उनकी बेइज्जती करके उनको गाड़ी में से धक्के मार के उतार दिया था, उस समय युवावस्था में थे, तब उनके मन में आया आजादी की ललक, ये विषय आया कि आजादी की ललक करनी है, अपने देश के लोगों को एकत्र करना है और
उस समय आजादी के आंदोलन में कूद गए। विवेकानंद का भी अगर बचपन देखते हैं तो भी नरेंद्र नाम से जब उनके मन में ये विचार आया कि देश समाज की बात करनी है और एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है, मन में कुछ विचार थे इस देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति, विदेश में चले गए और जाकर के उनका शिकागो में जो भाषण हुआ, एक सन्यासी का शिकागो में भाषण होना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो कुछ लोगों के मन में तो श्रद्धा भाव होता है सन्यासियों के बारे में, कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो सब बेकार है, ऐसे ही है, भगवे कपड़े पहन लिए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर के अपना पहला वाक्य बोला, भारत की संस्कृति के हिसाब से संस्कार थे उनके, उनका माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब ये वाक्य अमेरिका वालों ने कभी सुना नहीं था। 5 मिनट तक क्लैपिंग होती रही इस वाक्य पर, सिर्फ इतना ही सुनने के बाद, क्योंकि वहां क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भाइयों बहनों संस्कृति हमारी है, हम हर किसी को समाज में भाई का दर्जा, बहन का दर्जा ये देके चलते हैं, तभी हमारा समाज संस्कारित सुसंस्कारित है, लंबे समय से स्थायित्व तो बना हुआ है, वरना तो अनैतिकता कितनी बढ़ गई है दुनिया में। कभी कभी हमें भी डर लगता है कि यहां घुस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसको घुसने नहीं देना है, और उसको युवाई संभाल सकता है। तो इसलिए नरेंद्र जब विवेकानंद बना तभी वो युवा ही था, और आज का हमारा नरेंद्र आयु भले ही कितनी हो लेकिन युवा आयु से नहीं होता, कामों से होता है। आज का हमारा नरेंद्र कौन, नरेंद्र मोदी, वो युवा अवस्था का ही काम कर रहा आज भी। तो हमको इस देश के निर्माण के अंदर बहुत सी अपनी भूमिका निभानी है, अपनी आहुति डालनी है। आप लोग लगे हैं, निरंतर लगे हैं, अपने काम के हिसाब से लगे, अपनी रुचि के हिसाब से लगे, और रुचि आपकी जो है वो निश्चित रूप से खेल जगत ही है। ठीक है, बहुत से लोग सरकारी नौकरी में, कोई रेलवे में, कोई हरियाणा सरकार में, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई ONGC में, कोई रिटायर होकर आ गए, कोई अभी और भी लगे हुए हैं, लेकिन अंततः मन में तो खेल जगत का ही भान है। तो उस खेल जगत को आगे बढ़ाने के लिए जहां आप हैं इस भावना को आगे बढ़ाइए, युवाओं को उस दिशा में आगे बढ़ाइए। हमने अपनी भूमिका में एक काम कर दिया है कि आपको एक खिलाड़ी वो खेल मंत्री के रूप में दे दिया है। अब ये जिम्मेवारी चाहे एक अवार्डी के नाते से निभाएं और चाहे खेल मंत्री के नाते से निभाएं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं हरियाणा सरकार की ओर से खेलों के बढ़ावे में, खेलों के आगे यानी सम्मानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी पूरा किया जाएगा। अगला कार्यक्रम अपना खेलो इंडिया का जो बताया कि वो हमने लिया है, उसके लिए भी हालांकि अंडर 19 सारे राष्ट्रीय स्तर के जो युवा होते हैं वो उनका खेल होता है, लेकिन फिर भी उसमें कितना आप योगदान कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों को बढ़ाने के लिए अपना योगदान करें। आज जैसे युवा दिवस है, कल एक उत्तर भारत का लोहड़ी का त्यौहार होता है, वो 13 तारीख को कल वो है, परसों मकर संक्रांति है, देश के कुछ प्रांतों में पोंगल का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इन सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई आपको भी सर, सारे त्योहारों की शुभकामनाएं। से हमारा हॉल गूंजना चाहिए, आपने युवा दिवस की सबको बधाइयां दी और विवेकानंद जी के विचार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं दोस्तों, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, और एक ऐसी ही मिसाल आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने कायम की है। हम आप सब खिलाड़ी एसोसिएशन की तरफ से हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी राजकुमार सांगवान जी को वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि वो आए हमारे एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार सांगवान जी, अर्जुन अवार्डी, सभी का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। राजकुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मनोहर लाल जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री रतन लाल कटारिया जी,
हमारे स्पीकर महोदय और हमारे युवा, हमारे साथी खेल मंत्री संदीप सिंह जी। सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये हम तो कोशिश ये करेंगे सर कि बार बार हम, आपने हमें बुलाया है, लेकिन अगली बार 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 हम आपका धन्यवाद करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे काम करते रहेंगे, हमारे खिलाड़ियों का इतना भला आप करते रहेंगे कि हमें बार बार आपके साथ मिलने का और आपका स्वागत समारोह करने का मौका देते रहें। सर, आपने इतना अच्छा काम किया उसके लिए धन्यवाद। और पूरे खिलाड़ी जगत, पूरा खेल जगत हमारे, विशेषकर क्योंकि नए लड़कों के लिए तो बहुत काम होते थे सर, आपने प्राइज बहुत अच्छे बढ़ाए, सब चीजें की। लेकिन आप देखते हैं जब 60 के अंदर अर्जुन अवार्ड के रूप में 1,000 रुपये मिलते थे और एशियन गेम से या कहीं से भी लेके आओ तो 5,000 रुपये मैक्सिमम, हमारे टाइम में भी 50,000 थे सर, जो आपने 3 करोड़ रुपए किए हैं। तो पुराने खिलाड़ी भी आज के टाइम में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो अवार्ड पहले नहीं तो अब तो हमारे काम आया। और हम उम्मीद रखेंगे कि आगे भी आप ऐसा करते रहेंगे सर। धन्यवाद। जय हिंद।